जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर आमिर अजीज़ हमारे साथ बैठे हैं और हम इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला वापस जहां से टूटा था वहां से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम तवज्जो तलब जो मसला है वो है स्मोकिंग का, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब कुछ आपको बताना चाहते हैं। सिगरेट पीना सिर्फ दिल और फेफड़ों के लिए ही मुज़िर नहीं है। अब फजीन साबित हो गया है कि हड्डियां और जोड़ जो है सिगरेट से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और आप ये देखें कि एक शुगर का मरीज और एक स्मोकर, उसकी हड्डियां एक ही जितना वक्त लेते हैं ठीक होने में, यानी अच्छा, नॉर्मल से डबल टाइम। ओके। और सिगरेट का जो धुआं है या सिगरेट की और मुजिर चीजें हैं कमर के लिए बिल्कुल जहर हैं। अच्छा, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, दिस इज अ प्रूवन रिसर्च बेस्ड फैक्ट। और अब ये हम तो मरीजों से कहते हैं कि या सिगरेट के मजे ले लो या कमर ठीक करवा लो। अच्छा, याद रख, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि हड्डियों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, अच्छा, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ। इसका कोई भी एक भी फायदा नहीं है। मैं जब किसी मरीज से पूछता हूँ कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जो आहा कमाल है डॉक्टर साहब, जरूर आ जाता है। सब कहते हैं जी बुरी आदत। फिर मैं कहता हूँ जी फिर क्यों करते हैं, छोड़ दें, काफी हो गया। सो एक तो सिगरेट बहुत मुजिर है हड्डियों और जोड़ों के लिए। सही, क्योंकि आई थिंक कि इसमें नालियां जो तंग होने का अमल है वो हर जगह की सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट कर देती। अच्छा, है ये ओके। और उसमें कैल्शियम डेपोजिशन, बोन की स्ट्रेंथ, वो सारा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। पता नहीं डॉक्टर साहब फिर इसमें क्या किसी को जरूर मिलता है। आप सही कह रहे हैं। आप देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिगरेट जो बेचते हैं उस पर लिख देते हैं कि ये मुजिर सेहत है, वजारत सेहत, इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या है। आप कह रहे हैं ये लोग बम है और इस्तेमाल जरूर करो। यू वेरी राइट, और लोग कर लेते हैं, कर रहे हैं। और एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए जी। सर मैं मेरे गोडिया में दर्द होता बहुत ज्यादा। अच्छा, कब चटनी थोड़ी खाण नाल ना मतलब मुंह जो बदबू बढ़ी जाती है, मैदे से साड़ पैना शुरू हो जाता। नहीं, आप कुछ पूछना चाहें? मैं इनके साथ पंजाबी में बात। हाँ, बिल्कुल कर सकते। तुसी अपना ना नाम दसिया है, ना उम्र दसी है, और कदों दी है गोडियां की तकलीफ? मेरा नाम जी, हमारा नाम फजल अहमद है जी। ते तुहाडी उम्र किन्नी है? 60 साल करीब है। ए फिर तुसी गोडे कुछ हंडा बैठे हो, जरा एहतियात नाल इन्हां नूं वरतो, और बजाय इस तरह तुहानूं दवाई दसण दे हस्पताल तशरीफ लियाओ, तुहाडे कुछ टेस्ट भी कराइए। ये जिहड़ा मुंह दा जायका कौड़ा हो रहा है, ये कितने जिगर दा ना कोई मसला होवे। सो तुसी साडे कोल आ जाओ, अल्लाह खैर रखे। सारे टेस्ट उत्थे बहुत सस्ते और जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हां दे फ्री हो जांदे है, और फिर तुहानूं सही दवाई मिल जाएगी। सही हो गया। आई थिंक इनके साथ कंकरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, गैस्ट्राइटिस वगैरह का, इसलिए वो। अच्छा, गैस्ट्राइटिस से मुझे याद आया कि डॉक्टर साहब बहुत सारी देखें दवाइयाँ हम ओवर द काउंटर यूज़ करते हैं, और बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दर्दों के लिए यूज़ होती हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए, मसल एक्स पेन्स के लिए, जो कि एक तो हाई पोटेंसी की हम यूज़ करते हैं, और एक ये कि अगर छोटी दवाई से भी फ़र्क पड़ जाता है नहीं, लेकिन हमने बड़ी यूज़ करनी है। अच्छा, फिर ये होता है कि उससे गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर आई वुड लाइक यू टू टेल नाजरीन कि ऐसे ही जाके दवाइयाँ ना शुरू हो जाएं, और क्या क्या अल्सर्स फटते हैं बाद में इस वजह से। फरीदीन, मैं इससे पहले एक मिनट लूँगा, मैं अपने बहन भाइयों, बेटे बेटियों को, सबको ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर अखबारात, रसाइल, बोर्ड्स पे इश्तिहार दे उससे बचें, क्योंकि जिस दिन हम डॉक्टर बनते हैं हम एक हल्फ लेते हैं कि हम कोई इश्तेहारबाजी नहीं करेंगे। और यहाँ क्या ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं लोग कि जी एक टीके से ऑपरेशन बच जाएगा आपका हर चीज, तो ये आप बचें। नंबर दो, इसमें दवा साज कंपनियों का भी बहुत रोल है, और हम मिन हैसुल कौम, हमारा कोई एक मॉरल्स नहीं है। जो कंपनियां ज्यादा बार सैर करवा देती हैं हम उनकी दवाइयां धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर एक पेन किलर देते हैं एक वक्त में। आप हैरान होंगी कि लोग तीन तीन इकट्ठी लिखते हैं, और उससे दर्द में फायदा नहीं होता लेकिन अल्सर मैदे का फट जाता है। और फिर हमारे मुल्क में तो अंधेर नगरी है, जो जो मर्जी है चाहे दवाई जाके खरीद ले। ये भी जब तक नहीं रुकेगा ये मामलात हल नहीं होंगे, और बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स अब होती जा रही हैं, खासतौर से बुजुर्गों में। हाँ। कि उनका मेदे का अल्सर फटता है जो जानलेवा साबित होता है।
तो दवाई बगैर किसी से पूछे डॉक्टर से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और पेन किलर एक एक वक्त में लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? नदीम कादरी बोल रहा हूँ जी। जी नदीम, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? सबसे पहले तो मैं उन्हें सलाम पेश करूंगा, और वो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, मुझे उन्हें देखने का बड़ा शौक था, मैंने उनको देखा है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी को लेफ्ट साइड पे स्पाइनल के साथ पेन होती है, और वो पूरी टांग में रेफर करती है। और एज इज 24, यंग है। अच्छा। और उससे बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है। ओवरवेट तो नहीं है? नहीं, ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अंडरवेट ही है कुछ। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी डॉक्टर। नदीम, सबसे पहली रिक्वेस्ट, बेटी को फौरन ला के दिखाएं। मैं आपको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कहूंगा, क्योंकि एक और हमारे यहाँ रिवाज ये निकला है कि डॉक्टर साहिबान कुर्सी से नहीं उठते मरीज देखने के लिए। हाँ। और MRI स्कैन ऑर्डर हो जाता है। तो हम इस तरह नहीं करेंगे। आप बेटी को लेके हमारे पास तशरीफ लाइए, चाहे कल सुबह ले आइए गुरकी हॉस्पिटल में। हम उसे देख लें, उसके मुताबिक फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अल्लाह के फजलो करम से वो जरूर ठीक होगी इंशाल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि यंग एज में अगर ऐसी पेन हो तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है? स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से इसकी डिस्क का प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है। और इस एज में 20 से 40 साल की उम्र में ये सबसे ज्यादा होती है ये। अच्छा, मर्ज। और 90% लोग अल्लाह के फजल से विदाउट सर्जरी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओनली 10% कम टू सर्जरी, एंड दीज आर द वंस हु रिक्वायर एन MRI स्कैन। यहाँ लेफ्ट राइट एंड सेंटर MRI स्कैन शुरू हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं रबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रबिया, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? मैं 17 साल की थी जब मुझे जॉइंट्स पेन हो गई, शदीद किस्म की जॉइंट्स पेन है कि सुबह उठती हूँ तो उंगली तक नहीं हिलती। अच्छा, ठीक है। मैंने अपना यूरिक एसिड सारे DFDNA CBC ANA सब टेस्ट करवा लिए। हाँ, हाँ। इतने डॉक्टर इतने सर्जन के पास गई, 3 साल से मुझे इतनी शदीद तकलीफ है, दाने बनते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है, और यूरिन इतना ज्यादा आता है, कोई डॉक्टर समझ नहीं पाता, वो कहते हैं हमारा ये मसला नहीं, दूसरा कहता है हमारा ये मसला नहीं। अब मैं क्या करूँ, इतनी शदीद तकलीफ है जोड़ों में, और सुबह उठती हूँ, रात को सोती तो सुबह उठती हूँ तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, ठीक है रबिया, सबसे पहले काम डाउन, आप अपने आप को रिलैक्स करो, डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। रबिया, आप नाउमीद हरगिज ना हुए, आपसे दो अच्छा। चीजों की मैं गुजारिश करना चाहूंगा। एक, अल्लाह पाक ने ईमान और सेहत का वादा नहीं किया, आप उससे सेहत और ईमान जरूर मांगें। नंबर दो, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के हस्पताल तशरीफ लाएं, अल्लाह के फजल से ये समझ भी आ जाएगी, आपको अद्वियात भी मिल जाएंगी, वर्जिशों की जरूरत हुई तो वो भी शुरू हो जाएगी, एहतियातें भी बता दी जाएंगी। आप नाउमीद लग रही हैं मुझे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह इसका बंदोबस्त जरूर होगा। हाँ नहीं रबिया, आप सिटी 42 के तवसत से डॉक्टर आमिर अजीज से खुद जाके मिलिए और उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, वो आपको जरूर ही कैटर टू योर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, नाउमीदी कई बार हो भी जाती है, आखिर इंसान है, क्योंकि शी हैज़ बीन सफरिंग फॉर 3 ईयर्स, और ये डॉक्टर्स का इस तरह से ट्रीट करना कि ये हमारा मसला नहीं तो हमारा मसला नहीं, अगर किसी एक डॉक्टर का मसला नहीं तो उसको रिफर कर दें जिसका मसला है, आखिर हम समझ आते हैं ना कि किसका मसला है फिर, तो दैट शुड हैव बीन डन इन हर केस। ये आपने कहते ना, यू हिट द नेल ऑन द हेड। हमारे यहाँ मिनहसुल कौम ये हमारा किरदार बन गया है। आप देखिए, मशवरा देना अमानत है, और अगर आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, अगर आप मशवरा सही नहीं दे रहे, तो आप मरीजों को ये कह दिया जाता है, मसलन कुबड़ापन, आप देखिए उनको कहा जाता है जी इसका पाकिस्तान में इलाज ही कोई नहीं है, हालांकि उसी शहर में हो रहा है। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि बिल्कुल मेरी ये बहन बेटी जो है सही है इसकी ये फीलिंग्स, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इसका हल है, और पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा नाजरीन, अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से, हमारा ये है कि हम आपको अच्छे डॉक्टर से कनेक्ट करवाएं।
सो प्लीज़ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो हमें कॉल कीजिए और हम आपको अच्छे वाले अच्छे मुस्तनद सर्जन डॉक्टर जो भी हैं कंसल्टेंट उनसे कनेक्ट करवाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लें।